है। अभी हमने ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं भाई थम्स अप के साथ। हम जाने वाले हैं अभी धरन को, शायद देखते हैं अभी घर पहुंचने वाले, तो घर पहुंच के फिर प्लान करते हैं। पिछले ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा, हमने जो जंगल का मंदिर थे जगह थी वो एक्सप्लोर की। अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं धरन, शायद हम पावन किंग को जाएंगे। थंबनेल से आपको पता चल ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर अभी कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। अभी घर पे थोड़ी देर रुके थे, घर से अभी निकल रहे हैं डैम के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर से हमें उतना जाना है। ए भाई, ये जम आज चिकन बट्टे और गाड़ी वाली थे भाई। अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं दो जना, वो भाई R15 पे, अब RX100 पे आ रहा है, हम बुलेट पे है। तो ऑलमोस्ट भाई कितना है, 1-2 घंटा लगेगा ना जाने के लिए, 1 घंटा। RX100 का वो आवाज़ ही बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। RX100 सर आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, उसका गियर का कुछ तो इशू है ना। भाई ने सर भैया भाई, ये गाड़ी तो ना देगा क्या। इस गाड़ी पे 3 जन बैठे हैं, लेकिन भाई RX100 बहुत तेज़ भाग रही है। उसका अगर गियर का नहीं प्रॉब्लम होता ना, तो वो और भी तेज भागती गाड़ी। यहाँ से बसेस भी ट्रैवल कर दी है, इतने रस्ते से भाई बसेस ट्रैवल कर दी। उनका सस्पेंशन तो भाई मस्त रहते। यहाँ से वो उदगिरी, भेंडेपड़ी और लवाड़ा फाटा रास्ता जाता है। हम पहुंच चुके हैं डैम के पास। ये है डैम का एरिया पूरा, और पानी देखो भाई कितना है यहाँ पे। वैसे तो हर जगह यहाँ पे बहुत सारा पानी है, लेकिन सोचा भाई आपको डैम भी दिखा देते हैं। जो करण का भाई है अंदर वीडियो बनाया, अच्छा करण का मामा है, उसने भाई यहाँ का वीडियो बनाया था, तो भाई बहुत सही सीन दिख रहा था। वो सनसेट का टाइम था, अभी तो वैसे बादल ही दिख रहे हैं पूरे। अभी जाते हैं वही डैम के पास जा रहे हैं, वो यहाँ से रास्ता है पूरा डैम के लिए। डैम जब भरता है तब यहाँ तक पानी चढ़ जाता है ऊपर तक, ना ऐसा साफ पानी लग रहा है भाई, ब्लू ब्लू। वैसे अभी बादल है इसलिए भाई धूप नहीं आ रही इतनी, क्योंकि ऐसा स्लोप दिया है यहाँ पर ताकि पानी भाई आ ना जाए। यहाँ पूरा गाँव है और इस साइड देखो डैम है, और ये ऐसे रास्ता बनाया है बीच में। ये तो देखो कितना मस्त लग रहा है, उन्होंने इस साइड भी बनाया है ताकि और एक लेवल की सिक्योरिटी रहे। तो मुझे सर को आता नीचे देखो, वहाँ पे बीच टायर की जाती है इसके पानी को यूज़ करके, और वो पानी नीचे छोड़ा जाता है। तो वहाँ पावर प्लांट है और यहाँ से पानी नीचे जाता है, वहाँ लेवल चेक की जाती है पानी की। यहाँ पूरा नीचे भाई डैम बनाए गए हैं, और ये डैम के अंदर एक बनाए गए हैं लोहे का एक पूरा। ये देखो नीचे पानी पूरा यहाँ से दिख रहा है, इसको तो गंज लग चुका है पूरा, लेकिन क्या नज़र है भाई। अभी तो नहीं है भाई, वैसे नज़र ऐसा पानी का देख सकते हैं, लेकिन भाई सूरज भाई बादलों के पीछे पूरा ढक चुका है। और ये सामने क्या बना है वो नहीं पता मुझे भाई, कुछ तो बना है सामने, वो देखते हैं उसके पास क्या है ऊपर चढ़ने के लिए भी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई वहाँ ऊपर चढ़ने की, कैसे चढ़ेंगे वहाँ, डर लगेगा यार यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना है। जाओ के नहीं भाई, वो तो सब ऐसे गिरा हुआ लग रहा है। यहाँ से नीचे जाने के लिए बनाए गए हैं पायरी वगैरह, लेकिन नीचे तो भाई पूरा पानी पानी फुल है, खंडर जैसा बन चुका है, नीचे पानी दिख रहा है। चल भाई आम चला, हिम्मत माणूस एक भाई हो भाई हो। मग चाल आम्मी पड़ला तो यो पहला पड़े
मी गाडी चाललो भाई। आम्ही एवढी हिम्मत करतोय खरं, पण भाई तर जर मला पोहे पोहे तर तुला हवे वाचव मला भाई। कोण नाही कळत आता डॅमच्या आतले मशीन्स आहेत जे इथं ऑपरेट होतात। धरून या बाबा, ए लोखंड फक्त कापून नका देऊ, दोन तीन इंजेक्शन घ्यायला लागतील। बापरे बाप भाई, गंजले माल तर भाई काय विश्वास नाही ह्याच्या भाई, तिकडे नाही जाणार मी। माझा फोन स्टँडवर विश्वास बसणार भाई। आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा गहरा नहीं है, पर बहुत गहरा है और मेरे को तैरना नहीं आता। मचा उधर भीती वाटते भाई, कुणाचे दम इतने उडी टाकायचे। ओमकार माझ्या कंटेंट साठी तू उडी टाकून भाई, तुझ्यात एवढा दम असेल ना भाई मी मानलं तुला भाई। मग तेच म्हणलं ना भाई, मी तुला मानलं भाई, तुम्ही म्हणताय म्हणून आता मी खरं मानलं भाई। चला खाली पास आहे माझी हिंमत संपली, नाही कुठे चला पुढे भाई। मी तुमचा व्हिडिओ काढतो भाई, पडलं वेळ तर म्हणलं घाबरतोय पप्पे। तू पप्पे घाबरू नको भाई, तू तुझं आमच्या सगळ्यात मोठा दिसतोय सगळ्यात मशीन भाई। वहा देखो भाई वहा, या तो आपको लग रहा होगा भाई ये हार्ड सरफेस है, मतलब हार्ड ही है लेकिन जो इस पर गंज लगाए, जो इसकी रस चढ़ाए इस पर, तो वो भाई सेफ नहीं है। तो इतना भाई रिस्क नहीं लेते और चलते हैं भाई। मेरे पैरों की तरफ मैं ध्यान देता हूँ, गिरना नहीं है, मैं गिरना नहीं चाहता ब्रो। हलो हलो चलेंगे, डर लग रहा है, डर लग रहा है, वेरी रिस्की भाई। पानी तो ऐसा लग रहा है भाई, वैसे मुझे हाइट से डर नहीं लगता लेकिन आज लग रहा है भाई, क्योंकि नीचे पानी है। मैं प्रेफर करूँगा डूबने से अच्छा भाई गिर के एक झटके में, मतलब यहाँ पे भाई डूब के मर जाएंगे। नहीं वो नहीं करता, वो आ गए नीचे भाई सेफली ना, वो जीने नहीं भाई एवढी ना, मी एवढा येडा नाही भाई। अरे गंजले भी आहेत आणि ते आपलं वजन झेपणार नाही यांना, ह्याच्या मला तर ह्याच्यावर बी विश्वास नाही भाई। हां ते बी जाईल कधी बी खाली। कबुतरांना बरं आहे रे, डुबलं काय कबुतर आहे बुडबुड। ए म्हणू नको शांतपणा करू। वैसे डॅमचं नाव काय? कडवी रे। ये है भाई कडवी नदी पे कडवी डैम, जहाँ पे अभी हम आए हैं। आपको इसके चारों तरफ देखो भाई, माउंटेन माउंटेन, इस साइड पे माउंटेन दिखने में तो। अरे यार अभी बादल है यार, बादल नहीं होते ना तो भाई यहाँ पे क्या मस्त व्यू आया रहता। उस साइड भाई मुझे सिर्फ एक बंगलो दिख रहा है, बंगला है। अरे कौन है भाई तो एवडा पैसा वाला? तो फार्मसी वाला, नर्सरी वाला मे वेलकम से घर ना, ते मला करे मला वेलकमचं घर आहे नर्सरीवाल्याचं दुसरं। हा का आणि ती जागा बी त्याची असतील तिथं पैसा भाई, पैसा असल्यावर मी बी त्या डोंगराव बांधलं असत। काय सांगू भाई, करण भाई करण करण कुठं बांधणार आहे माहिती आहे? करण बांधणार आहे आता आपल्या होळकरवाडी। यहाँ पे कुछ तो है भाई, वो देखते है भाई क्या है इसमें अंदर। वही है भाई पायरी, डायरेक्ट किसी को जा जीने से जाने के लिए टाइम लग रहा हो तो यहाँ से कूद जाओ, डायरेक्ट वो है नीचे पहुँच जाओगे। खाली नहीं, खाली नहीं, वो निकलने की जगह नहीं है नीचे से, चारों तरफ से बंद है ये। किस लिए बने है क्या मालूम भाई, पानी टेस्ट करना तो यहाँ से करो ना भाई। और ये कुछ तो बीच में बना है, ये क्या ट्रेन के लिए बना है? मधी रहती का? मधीच रहती, मधी रहती सोड़ते। लेट्स गो, वर जायचं वर ना तो भाई आ रहे इसका, अभी हम रिव्यू कर रहे हैं वैसे। हाँ भाई ये हमारे दोस्त है भाई मामाई करण का, उसने भाई यहाँ पे एक वीडियो निकाला था, तब तक यहाँ पानी था लेकिन अभी देखो ऊपर है वो, उसका उठाएंगे वीडियो अभी हम। तो अभी फर्स्ट तो भाई आर एस का रिव्यू देते भाई, गाड़ी चलाने। ए रास्ता है का?
आर्कुट खालते भाई तो। हाँ आगे हम रुके थे तो यहाँ से अभी यहाँ आए, अगर डैम ओवरफ्लो हो जाए तो डैम यहाँ से ओवरफ्लो के नीचे चला जाता है पानी पूरा, तो यहाँ से नीचे चलते हैं। जब पानी भर जाता है तो वहाँ तो नहीं जा सकते। यहाँ से भाई पानी ओवरफ्लो होके नीचे चला जाता है। अभी देखो ये पूरा डैम भर चुका है और यहाँ से पानी नीचे आता है। यहाँ अभी इतना डर नहीं लग रहा, लेकिन जब पानी ओवरफ्लो होता है ना भाई तब डर लगता है। अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं, पूरा ऐसा डैम जैसा यहाँ भी बनाया गया। तो उस साइड से रास्ता है देखो नीचे आने के लिए, वहाँ पे भाई यानी के दोस्त लोग वहाँ लोग सब लोग वहाँ पार्टी करते, वहाँ से वहाँ आने पड़ते हैं आपको। और ये हम रखे थे वहाँ पे। चलो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे, थोड़े देर रुके यहाँ पे, थोड़े वीडियोज भी निकाले और वीडियो निकाल के अभी यहाँ से जा रहे हैं। जैसे यहाँ तो आप नहीं आ सकते क्योंकि अगर पानी भरा होता है बारिश में, लेकिन अभी 15 दिन से बारिश नहीं हुई तो पानी थोड़ा बहुत कम हो चुका है और कम हो जाएगा अभी जैसे समर आएगा, तब तक कुछ नहीं। अभी देखो ये पावर प्लांट है, यहाँ पर बिजली जाती है और वहाँ उसके भाई ने भाई जल्दी अभी सब्सक्राइब कर दिया, तो भाई को हमने ब्लॉग में ले लिया। भाई देख रहे हो तो थैंक यू भाई। अभी गाइस मैं सो रहा था तो हमारे पास देखो हमारे साथ कौन जुड़ चुका है, ये कौन है? हाय गाइस, तो मैं बच्चों तो बन जान दो भाई, खूबसूरत ऐसी दुर्वा आ चुकी है हमारे साथ जुड़ चुकी है। कहाँ से आए हो दुर्वा? हाँ मुझे तो लगा आप स्वर्ग से आए हो। क्यों? इतने जो गोड़ दिख रहे हो, पुणे से कब आए? और एक जन ज्वाइंड हो गया। इनको इंट्रोड्यूस कराओ, हमारे व्यूअर से इंट्रोड्यूस कराओ इनको, बताओ कौन है। व्हाट इज योर नेम? श्रेयान। श्रेयान तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ पर रहते हो? तुम कहाँ से? बॉर्डर पास है। मुंबई। ये।